नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतनाज है, इंस्पायर टू हिंदी से। और टाइम से यूनिट ना पहुंचे तो वीडियो डिले हो जाती है, पर अगर इंसान के पास पैसा हो तो क्या कुछ नहीं संभव है। और ऐसे ही हमने आज अपना Realme X का रिव्यू फाइनली कंप्लीट किया है, इस फोन को काफी देर तक चलाने के बाद। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये स्मार्टफोन सही में लेने लायक है कि नहीं, इसमें क्या बढ़िया है क्या बेकार है। और मेरी ये वो वाली वीडियो नहीं होगी जिसमें असली सच, साइड वाला सच, पड़ोसी वाला सच होता है। मेरी एक पूरा फुल रिव्यू होगा जो कि इसको इस्तेमाल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि क्या सही में जितनी हाइप है इस फोन के अराउंड वो सारी जस्टिफाइड है कि नहीं। तो दोस्तों इंतजार करिए, मैं यहां पे करने वाला हूं एक छोटा सा पर्दाफाश। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं Realme X की अनबॉक्सिंग के साथ। ये फोन मुझे इसलिए भी बेहतर लगा बिकॉज ये जिस स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पर आता है उसमें इन्होंने ज्यादा कमियां नहीं करी है। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है Realme X का यूनिट, आपको मिलता है इसके लिए बढ़िया वाला TPU कवर जो कि ब्लैक कलर का है पीछे से, तो यानी कि समय के साथ पीला होने वाली जो दिक्कत होती है वो उसमें नहीं आएगी उतनी। इसके अलावा अच्छी चीजें क्या क्या है, अच्छी चीज ये है कि बॉक्स में आपको मिलता है सुपर वूक चार्जर जिसकी मदद से इसको एकदम फास्ट वाला चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलती है USB टाइप सी केबल, हाँ जी इसमें USB टाइप सी वाला पोर्ट है बॉटम पे, और इसके लिए आपको ईयरफोन्स जो है बॉक्स में नहीं मिलते हैं, तो वो एक मतलब छोटी सी खामी है। तो ये फोन जो है ये उतना भी हल्का नहीं है, 191 grams पे थोड़ा सा तो भारी लगता है, थोड़ा सा बड़ा भी लगता है यूज करने में। हैंडीनेस में बोलूंगा ऑन अ स्केल ऑफ हैंडीनेस ये उतना ज्यादा हैंडी नहीं है, 6.5 out of 10 हैंडीनेस के मामले में। और अगर बिल्ड और डिजाइन की और अन्य चीजों की बात की जाए तो जो पॉलीकार्बोनेट इसका बैक है वो समय के साथ खराब बहुत तेजी से हो सकता है, तो हमने इसको लेते ही पहले दिन उस पर मस्त एकदम लैमिनेशन चढ़वा दी बिकॉज ये फोन जो है लंबे समय तक इस्तेमाल करना है। हमारा यूनिट पोलर व्हाइट रंग का था, बड़ा ही सुंदर। इसके अलावा एक और रंग है बट पोलर व्हाइट वाले की बात थोड़ी अलग है, और देखने में काफी बढ़िया सा है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि ओवरऑल इन्होंने मतलब प्रोटेक्शन तो दिए डिस्प्ले के मामले में, बट बैक जो है वो थोड़ी और प्रीमियम कर सकते थे, बट वही है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट में इतना सब कुछ देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस फोन में 3.5mm जैक भी दिया हुआ है, और अगर स्पीकर व्हील की बात करूं तो इसमें सिर्फ एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर यूनिट है। अगर मैं बटन्स की क्वालिटी की बात करूं तो टैक्टाइल मतलब काफी बढ़िया लगा मुझे जो इसके बटन्स हैं। अगर बात की जाए इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की तो आता है स्नैपड्रैगन 710 के साथ, कलर ओएस 6 के साथ ही आता है। 128GB स्टोरेज और 4GB रैम वाला वेरिएंट हमने लिया था टेस्टिंग के लिए क्योंकि वो सबसे सस्ता यूनिट है और सारे आधे ज्यादा लोग वही वाला यूनिट लेंगे। 3765mAh की इसके अंदर बैटरी आती है। FM रेडियो इस फोन के अंदर है, सारे सेंसर्स मौजूद है, एप्टेक्स HD ऑडियो का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है। एक बहुत ही जबरदस्त चीज इस फोन की यह है कि इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है, और इसके अलावा दिक्कत एक ही है कि माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं दे रखा है। बेजल्स जो काफी हद तक स्मॉल है। डिस्प्ले की बात की जाए तो फुल HD प्लस 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली AMOLED डिस्प्ले है ये, और काफी मतलब मेरे को कलर्स वगैरह के रिप्रोडक्शन के मामले में भी काफी सही लगी है। वाइब्रेशन और हैप्टिक फीडबैक जो है इसके इंटरनल मोटर का वो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, अभी के लिए वो काफी हद तक सही है बट और बेहतर हो सकता था। बाकी अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आता है Qualcomm Snapdragon 710 के साथ, कलर ओएस 6 के साथ ही आता है, और उसका एक्सपीरियंस शायद कई लोगों को पसंद ना आए, मुझे भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो मैंने कुछ अन्य आइकन पैक वगैरह डाल लिए थे। और उसके अलावा आप अलग से कस्टम लॉन्चर भी डाल सकते हैं उस चीज़ के एक्सपीरियंस को थोड़ा बहुत ठीक करने के लिए। 128GB जो इसके अंदर स्टोरेज दे रखी है वो UFS 2.1 है, तो आराम से 400 से 500 MB/s तक की रीड राइट स्पीड तो दे ही देगी, और जल्दी ये फोन स्लो नहीं होगा। मेरे पास जो 4GB वाला रैम वेरियंट था उसकी एक दिक्कत यह है कि रैम मैनेजमेंट बड़ी एग्रेसिव हो जाती है उसमें, तो बैटरी मोड्स वगैरह जो इसमें काफी बढ़िया इनेबल्ड होते हैं जिसकी वजह से बैटरी टिकी रहती है काफी टाइम तक, उनको अगर आप डिसेबल कर देंगे तो वो चीज फिक्स हो जाएगी। बट वही है कि यार 4GB रैम में थोड़ा वो देखने को मिलता है, वही अगर आप 8GB रैम वाला वर्जन लेते तो उस पर उतनी ज्यादा ये दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। इसके अंदर 3765mAh की बैटरी मिलती है, वो आराम से पूरे दिन टिक जाती है हैवी यूज के साथ भी, और क्योंकि वो वूक 3.0 फास्ट बैटरी चार्जिंग को सपोर्ट करती है तो अगर आप उसको चार्ज पे लगाएंगे तो बड़े ही प्यार से 40 से 50 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाता है जीरो से लेके, और वहीं अगर आप सिर्फ 30 मिनट भी चार्ज करें तो काफी हद तक यूजेबल हद तक वो चार्ज हो जाता है। इस फोन में अभी भी FM रेडियो दे रखा है, वो एक बहुत ही जबरदस्त बात है। इसमें जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफी
काफी हद तक फास्ट है। जो पॉपअप कैमरा मैकेनिज्म है उससे भी आप आराम से अपना फेस अनलॉक कर सकते हैं, बट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मुझे ज्यादा फास्ट लगा इसके अलावा इसके अंदर। अगर हम कैमरा की बात करें तो इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी f1.7 अपर्चर वाला सेंसर है और इसके अंदर 5 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर वाला डेप्थ सेंसर है। सामने मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का f2.0 वाला। और ओवरऑल जो अगर मैं इमेजेस की बात करूँ तो सही थे, ऑलमोस्ट जैसे ओप्पो का कलर साइंस है बिल्कुल वैसा ही था। मैंने इस पर जी कैम भी ट्राई करा, जिन शॉट्स में आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पर नहीं लिखा हुआ शॉट ऑन रियलमी एक्स वो जी कैम वाले शॉट्स हैं। तो कलर साइंस तो ओप्पो का काफ़ी सही लगा, ये जी कैम वाला शॉट है, ये रियलमी एक्स वाला शॉट है उसके स्टॉक सॉफ्टवेयर से लिया हुआ, ये उसके स्टॉक सॉफ्टवेयर से लिया हुआ शॉट है और ये जी कैम वाला शॉट है। तो मैंने जो मेन चीज़ देखी वो ये था कि जो क्रोमा बूस्ट है वो कुछ कुछ सीन्स में काफ़ी ज़्यादा कलर मस्त एकदम उठा देता है, तो कई लोगों को वो लुक जो है पसंद आएगा। और ओवरऑल मुझे इसका कैमरा सही लगा, बट लो लाइट में वीडियोज़ लेने के लिए उतना ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है। आइए अब करते हैं एक साउंड चेक। तो दोस्तों साउंड आउटपुट जो था वो काफ़ी हद तक लाउड था और मतलब एक मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए बहुत ही सही डिवाइस है। 17,000 रुपये पे रियलमी एक्स आज की डेट में भारत में मिलता है और इस प्राइसिंग पे शायद से ये सबसे सस्ता पॉपअप कैमरा वाला फ़ोन है, एक पूरा फुल डिस्प्ले वाला फ़ोन जिसमें बहुत सारी चीज़ें सही दे रखी है। 4GB 128GB वाला वर्जन जो इसका मिलता है 17,000 पे वो एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू प्रोपोजिशन है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक बढ़िया एमोलेड डिस्प्ले चाहते हैं और जो इस एक्सपीरियंस को वैल्यू करते हैं, जो एक फुल स्क्रीन वाला एक्सपीरियंस होता है उसको अगर आप वैल्यू करते हैं तो आपके लिए एक नो ब्रेनर है कि आप रियलमी एक्स ले लें, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है स्मार्टफोन के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको अवश्य लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है तो बस हमारी उस मेहनत का थोड़ा सा फल दे दीजिए और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी है कोने में, उसको श्रद्धालुओं के बजा दीजिए और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।